आई होप सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन जो शेयर किया वो दिख रहा होगा। चैट में एक बार कंफर्म कीजिए आप कोई। ओके तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था एनुमरेशन स्कैनिंग, और उसके बाद हम लोग का एक क्लास जो पेंडिंग रह गया था उसके साथ हम लोग कवर करने वाले हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी कवर करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो कि है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। कुछ मिनट में हम स्टार्ट करेंगे ताकि सब कोई ज्वाइन कर लें इस क्लास को। ओके एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब सबसे पहले हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, देन स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग, एनुमरेशन, ये सारे फेजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके आप में से कितने लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग का जो लास्ट क्लास जो पेंडिंग था वो कौन सा टॉपिक का पेंडिंग रह गया था? चैट में एक बार कंफर्म कीजिए कि कौन से क्लास का जो टॉपिक था वो पेंडिंग था। हम लोग स्कैनिंग और एनिमेशन हम लोग को एक्सप्लेन करना था, और आई थिंक स्कैनिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। एक बार चैट में प्लीज कंफर्म कर दीजिए इस चीज को। ओके एनिमेशन, ओके एनुमरेशन, सो वी विल बी गोइंग विद एनुमरेशन। एनुमरेशन टॉपिक हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली एनुमरेशन में उतना कुछ खास नहीं एनुमरेशन में, बट फिर भी हम उसको समराइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनुमरेशन क्या है? एनुमरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं, किसी भी डेटा को काउंट करना इन अ प्रॉपर मैनर। ओके वो एनुमरेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 10 तक आप काउंट करो, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक प्रॉपर मैनर में आप काउंट करोगे। काउंट करने को कहा, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप काउंट इस तरह से करें 1, 5, 3, 2, 8, 10, 9, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो जो प्रॉपर मैनर है काउंटिंग करने का उसको हम एनुमरेशन कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में उसका क्या काम है? कभी भी किसी भी सर्वर को अगर हम हैक करना चाहते हैं, या तो उस पर एक साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं या एथिकल हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम एनुमरेशन भी हमको करना पड़ता है ताकि कुछ कुछ बचे खुचे जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हम पता लगा सकें।
तो एनुमरेशन भी यही किया जाता है। अगर कोई सर्वर है उसका कुछ कुछ डेटा हम लोगों को पता लगाना है, तो हम एनुमरेशन टूल्स का यूज करके एक एनुमरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम प्रॉपर चीजों का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वन बाय वन। ओके, स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग में सारा इन्फॉर्मेशन वन टाइम मिल जाता है, पूरा एक बार में ही बल्क इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बट एनुमरेशन में एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि हमको वन बाय वन मिलता है जिस चीज के लिए हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं या एनुमरेशन का यूज कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए वो पूरा एनुमरेट करता है। ओके, प्रताप नाम के एक यूजर ने व्हाट्सएप चैट ग्रुप क्रिएट किया है, शायद उनको पता नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी ग्रुप क्रिएट करना प्रोहिबिटेड था। जो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या तो जो जिसने उस ग्रुप को क्रिएट किया है मिस्टर प्रताप, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर दूंगा, बिकॉज थर्ड पार्टी ग्रुप क्रिएट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आई होप सबको क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं एनुमरेशन में। ओके, CEH बैच 2020 ये ग्रुप यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। फॉर कन्फर्मेशन, जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं उनका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, सो दैट आपको ये बात पता होना चाहिए। उनको फिर कोई क्लास नहीं मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट उनको इशू नहीं होगा। ओके, तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं एनुमरेशन के कॉन्सेप्ट, एनुमरेशन के नेट बायोस कॉन्सेप्ट, SNMP, then LDAP, SMTP, DNS और अलग अलग काउंटर मेजर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे चीज़ों को इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एनिमेशन को समराइज अगर मैं करूँ तो उसका यही मतलब है कि जितने भी डेटा को हम लोग पता लगाना चाहते हैं किसी चीज़ को स्कैन करके, उस प्रोसेस को हम लोग एनिमेशन कहते हैं। ओके, यही होता है एनुमरेशन। एनुमरेशन हम अलग अलग टाइप का हम कर सकते हैं, नेट बायोस एनुमरेशन, SNMP एनुमरेशन, LDAP एनुमरेशन। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हो गए, SNMP, LDAP, NTP, UDP, TCP, ये सारे सारे प्रोटोकॉल्स को स्कैन करके एनुमरेट करना, ये अलग प्रोसेस हो गया। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एनुमरेशन करने के बाद हमको आखिरकार क्या क्या डिटेल्स मिलता है, तो सबसे पहले नेटवर्क रिसोर्सेज, ओके, नेटवर्क शेयर्स, राउटिंग टेबल्स, ऑडिट एंड सर्विस सेटिंग्स, SNMP एंड FQDN डिटेल्स, मशीन नेम्स, यूजर्स एंड ग्रुप्स, एप्लीकेशन एंड बैनर्स, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है हम लोग पता लगा सकते हैं एनुमरेशन करने के बाद। ओके, टेक्निक्स क्या क्या है एनुमरेशन की, सबसे पहला है ईमेल आईडी के थ्रू एनुमरेशन करना, देन डिफॉल्ट पासवर्ड्स, देन एक्टिव डिक्शनरी अटैक के थ्रू एनुमरेशन करना, देन DNS जोन ट्रांसफर के थ्रू एनुमरेशन करना, देन यूजर ग्रुप को एनुमरेट करना, और SNMP के थ्रू पूरा जो नेटवर्क का डेटा है उसको एनुमरेट करना। ये सारे के सारे डिटेल्स जो हम लोग टेक्निक्स जो है एनुमरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ईमेल आईडी के हेल्प से बहुत डेटा हम लोग पता लगा सकते हैं, बिकॉज आजकल मैक्सिमम जो एडमिन नेम्स होते हैं, मैक्सिमम जो एडमिन यूजर नेम्स होते हैं वो ईमेल आईडी ही होता है। ओके, डिफॉल्ट पासवर्ड के हेल्प से भी हम लोग डेटा पर्सनल एनुमरेट कर सकते हैं। देन ब्रूट फोर्स के बारे में बहुत से लोगों को मालूम होगा ब्रूट फोर्स क्या होता है। ब्रूट फोर्स में हम लोग एक डिक्शनरी का यूज करके प्रॉपर पासवर्ड हैकिंग और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके हम लोग हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। DNS, हर एक सर्वर का एक डोमेन नेम सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है उस सर्वर के बारे में, उसके थ्रू एनुमरेशन कैसे किया जाए वो भी हम देखेंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा अगर आप एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप यूजर ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, उन यूजर ग्रुप्स के थ्रू एनुमरेशन करना और पर्सनल डिटेल्स निकालना, ये भी एक तरह से टेक्निक है एनुमरेशन। और लास्ट SNMP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू नेटवर्क्स को मॉनिटर किया जाता है, जिस तरह से एक क्लास का मॉनिटर होता है जो सबको मॉनिटर करता है, उस तरह एक नेटवर्क का भी एक मॉनिटर होता है। ओके, इसका काम होता है आने जाने वाले डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना
और पता लगाना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ मिसयूज तो नहीं हो रहा नेटवर्क रिसोर्स का, या कोई कोई अनऑथराइज यूजर तो सर्वर्स को यूज नहीं कर रहा। ये काम होता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल का और सर्विस का। अब अगर किसी हैकर ने एसएनएमपी सर्वर को ही हैक कर लिया, तब तो कुछ भी पॉसिबल है। एसएनएमपी सर्वर के थ्रू सारे डेटा होके जाते हैं, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो वेबसाइट्स जो आप ब्राउज कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल डेटा जो आप अपलोड कर रहे हो, चाहे वो वीडियोज हो, फाइल्स हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, सबका सब उस एसएनएमपी सर्वर से फिर हैक किया जा सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे टेक्निक्स हैं एनुमरेशन की। ओके, सर्विसेज एंड पोर्ट्स टू एनुमरेट। तो जैसे जैसे हम एनुमरेट करते हैं, हमको पोर्ट्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, पोर्ट्स नंबर जो होते हैं, जैसे 53, 135, 137, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कि हर एक पोर्ट पे अलग अलग सर्विसेज रन होती हैं। अलग अलग सर्विसेज जो रन होती हैं उसके ऊपर अगर आप पर्टिकुलर एक्टिविटी करना चाहते हो, तो आपको पोर्ट नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से पोर्ट पे कौन से सर्विसेज चल रहे हैं ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जिनको जिनको ये इंफॉर्मेशन जानना है, वो इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 4, आप इसमें आके देख सकते हैं। पेज नंबर 8 से ये शुरू है, सर्विसेज एंड पोर्ट्स टू एनुमरेट। जैसे पोर्ट नंबर 53 पे आपका टीसीपी है, 135 पे आपका टीसीपी यूडीपी दोनों है, 137 पे आपका यूडीपी है, 139 पे आपका टीसीपी है। अलग अलग सर्विसेज, डीएनएस, माइक्रोसॉफ्ट आरपीसी, नेट बायोस, एसएमबी, सिंपल एसएनएमपी, जितने भी सर्विसेज है वो सारे सारे आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, ठीक है। तो आई होप एनिमेशन का आपको तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओवरव्यू मिल गया होगा कि एनिमेशन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स बेस्ड एनुमरेशन है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल्स में कवर करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो इसको थ्योरी में रखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं डिफरेंट एनुमरेशन टेक्निक्स में। ओके, इसके बाद हम लोग का आएगा डिफरेंट एनुमरेशन टेक्निक्स। जितने टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे ईमेल आईडी, डिफॉल्ट पासवर्ड्स एंड ऑल, बाकी और कितने होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आईपी सेक एनुमरेशन। ओके, आईपी सेक एनुमरेशन भी एक और तरीका है, जिसमें कम्युनिकेशन जो एक वर्चुअल नेटवर्क के बीच होता है। आई होप आप में से बहुत से लोग को वीपीएन के बारे में पता होगा कि वीपीएन क्या होता है। तो जो कम्युनिकेशन वीपीएन के बीच भी हो रहा है उसको एनुमरेट करना, वो आईपी से एनुमरेशन के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, देन वीओआईपी एनुमरेशन। आई होप वीओआईपी के बारे में आप सबको मालूम होगा। वीओआईपी का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के थ्रू जो कॉल्स होते हैं वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे, तो उसको भी आप लोग एनुमरेट कर सकते हैं। ओके, आरपीसी एनुमरेशन, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ऑनलाइन कॉल्स के लिए जो होता है उसके थ्रू भी आप एनुमरेशन कर सकते हो। तो अलग अलग सर्विसेज पे भी अलग अलग एनुमरेशन भी हमको अवेलेबल रहते हैं। यूनिक्स, लिनक्स यूजर एनुमरेशन, तो ये सारे के सारे और अलग अलग टाइप के एनिमेशन थे। मैं फास्ट नहीं जा रहा, इसमें टॉपिक्स उतने नहीं है डिस्कस करने के लिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। जहाँ जहाँ जो बेसिकली डिफाइन करना है डीपली, वहाँ वहाँ आपका सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। ओके,
एंड अबाउट द प्रैक्टिकल्स, जो लोग आज पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि डायरेक्ट पॉसिबल प्रैक्टिकल हम शुरू कर दें. ओके, सारे चीज़ की एक प्रॉपर सिलेबस होती है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं. सो अगर एक यूज़र कहता है कि मुझे ऐसे करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. ओके, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली मैं मॉड्यूल नंबर 10 पे भी जा सकता हूँ, बट वैसा करना सही नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो हमको फॉलो करना होता है. ओके, अगर आप प्रॉपरली टाइम दोगे, प्रॉपर आप उसको समझोगे, तो ऑब्वियसली आपका वो पक्का आप वो सीखोगे. ओके, अगर कोई 30 दिन का सिलेबस जो है वो 40 दिन में क्यों ना हो, बट आप सीख रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, तो ये हमने कवर किया एनुमरेशन टेक्निक्स के बारे में. अब हम चाहते देखते हैं काउंटर मेजर्स, क्या क्या काउंटर मेजर्स हमको लेने पड़ सकते हैं एनुमरेशन में. तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स का अलग अलग है, SNMP, DNS, SMTP, LDAP, SMB, सब में अलग अलग हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एनुमरेशन काउंटर मेजर्स में. ओके, डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट है. SNMP में कभी भी अगर आपको लग रहा है कि हम लोग का सर्वर हैक हो गया, तो SNMP जो एजेंट है उसको रिमूव कर देना ज़रूरी होता है. जो भी उस SNMP सर्वर को हैंडल कर रहा है, उसको आप सिंपली रिमूव कर दीजिए, और आपका जो सर्विस है वो आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और आपका आगे जो प्रिवेंशन है वो रुक जाएगा, प्रिवेंशन जो आपका हो जाएगा. ओके, सेम DNS में होता है, उसको भी डिसेबल कर दीजिएगा तो वो भी ट्रांसफर रुक जाएगा. SMTP में वही होता है कि जो ईमेल्स जो आपको लग रहे हैं स्पैम है, जो ईमेल आपको लग रहा है मेलिशियस, उसको इग्नोर कीजिए, डिलीट कीजिए, वो भी आपका बच जाएगा. LDAP में भी वही चीज़ होता है, आपका जो ट्रैफिक LDAP से अनसिक्योर आ रहा है उसको आप एनक्रिप्ट कर दीजिए, तो आपका वो भी बच जाएगा. SMB में भी वही होता है कि आप उसको डिसेबल कर दीजिए सर्विस को, तो भी आपका एनुमरेशन जो है बच जाएगा. किसी भी सर्विस को डिसेबल कर देना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एनुमरेशन से प्रोटेक्शन के लिए. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, एनुमरेशन पेन टेस्टिंग, जस्ट लाइक अदर टॉपिक्स, हर एक टॉपिक में एक पेन टेस्टिंग जरूरी होता है. कोई भी जो भी चीज़ आपने सीखा उसको एक लास्ट में रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और एडमिन को उसको रिपोर्ट करना, तो प्रॉपर एक रिपोर्ट चार्ट प्रिपेयर करना, सारे के सारे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है. तो एनिमेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होता है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, जब हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि होगा कल आपका. ओके, तो ये था एनिमेशन का. तो एनिमेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी डेटा को स्कैन करने के लिए, अगर आप किसी वेबसाइट को हैक करना चाहते हो, किसी सर्विस, किसी डिवाइस को आप हैक करना चाहते हो, तो आपको पहले तो स्कैनिंग जरूरी है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने मॉड्यूल 3 में कवर कर लिया Nmap के थ्रू. उसके बाद जरूरी है एनुमरेशन. एनुमरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को काउंट कर करके फैच करना. ओके, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट में नहीं, ऑर्डर्ड में, उसका प्रॉपर एक वे होना चाहिए. ठीक है, वो आता है एनुमरेशन में. जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, सारे ऑर्डर्ड मैनर में स्कैन करके उनकी इंफॉर्मेशन निकालना, वो होता है एनुमरेशन में. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक एनुमरेशन का. सपोज एक नेटवर्क है गूगल का, ठीक है, गूगल का एक नेटवर्क है. गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा सर्वर भी है उसका, उसके पास हजारों सब डोमेन्स है. जी हाँ, गूगल के पास हजारों सब डोमेन्स है, mail.google.com, youtube.google.com, drive.google.com, ऐसे हजारों सब डोमेन्स हैं. अगर मैं चाहता हूँ मैं सबका सब डोमेन्स को पता लगाना गूगल का, या तो मैं स्कैनिंग कर सकता हूँ जिसमें मुझे बल्क मिल जाएगा, या तो मैं एनुमरेट कर सकता हूँ, अल्फाबेटिकल वाइज सारे डोमेन्स का लिस्ट मेरे को मिल जाएगा अगर मैं एनुमरेशन करता हूँ तो. बिल्कुल, तो एनुमरेशन टूल का जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, गूगल के सारे सब डोमेन्स का लिस्ट वन बाय वन प्रॉपरली मुझे मिल जाएगा, जहाँ मैं देख सकता हूँ अच्छा ये सारे के सारे गूगल के सब डोमेन्स हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ.
और कौन कौन सा एनुमरेशन है? सपोज वर्डप्रेस का बात करें, अगर वर्डप्रेस, आई होप आप में से बहुत से लोगों को वर्डप्रेस के बारे में पता होगा। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। वर्ल्ड में 5 में से 1 वेबसाइट वर्डप्रेस से बना रहता है। आप सोच सकते हैं कि कितना पॉपुलर है वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस को स्कैन करने के लिए एनुमरेशन का हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस एनुमरेशन के लिए एक टूल है हमारे पास काली लिनक्स में, जो कि है WP स्कैन। ओके, काली लिनक्स में WP स्कैन का यूज करके हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट्स को स्कैन कर सकते हैं। किस चीज के लिए? पर्सनल डेटा, एडमिन यूजर नेम्स, पोस्ट, प्लगइन्स, थीम्स, वर्जन्स, वर्नेबिलिटीज, सारे के सारे डायरेक्टरीज, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग एनुमरेट कर सकते हैं। बात करते हैं प्लगइन्स का। एक वर्डप्रेस वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप और प्लगइन्स के हेल्प से बनाया जाता है। कौन सी वेबसाइट में कैसे प्लगइन्स यूज हो रहे हैं, प्लगइन्स का वर्जन क्या है, क्या वो अपडेटेड है, क्या वो आउट ऑफ डेटेड है, सारे के सारे डिटेल्स जो हैं आप एनुमरेशन के हेल्प से, यानी कि WP स्कैन नाम के टूल से आप निकाल सकते हैं। तो ये डिटेल्स जो हैं, ये सारे के सारे हम लोग एनुमरेशन से कर सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल हम एनुमरेशन का। सपोज हर एक वेबसाइट का एक DNS सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि प्रोवाइड करता है उस वेब सर्वर के बारे में डिटेल्स के कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करता है, जो कि ये डोमेन कहाँ जाएगा, मेल सर्वर कौन हैंडल करेगा, सी नेम क्या होगा, TXT रिकॉर्ड क्या होगा, ए रिकॉर्ड कौन से IP एड्रेस पे है, ये सारे सारे डिटेल्स जो है एक वेब सर्वर में DNS हैंडल करता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब हम डोमेन नेम सिस्टम को अगर एनुमरेट करते हैं तो हमको बहुत डिटेल्स मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि DNS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चेक करते हैं एक एनुमरेशन ऐसे ही करके DNS का। ठीक है, किसी भी एक वेबसाइट को उठाते हैं हम। पहले हम ओपन करेंगे dnschecker.org। ओके, dnschecker.org एक वेबसाइट है जहां पे हम लोग DNS डिटेल्स को पता लगा सकते हैं। इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे डोमेन नेम एंटर कीजिए। हम चेक करते हैं netflix.com का। netflix.com के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पे ए रिकॉर्ड है, AA रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, सबके बारे में जानते रहते हैं। ए रिकॉर्ड, होस्ट एड्रेस AA रिकॉर्ड, IPv6 एड्रेस, सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम ऑफ एन एलियस MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर NS नेम सर्वर, PTR डोमेन नेम पॉइंटर, SRV सर्विस रिकॉर्ड, SOA स्टार्टअप अथॉरिटी, TXT डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, CAA में आपका जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है वो आ जाता है। देन DS मीन्स डेलीगेशन साइनर एंड देन DNS की। ओके, तो किसी एक का एग्जांपल लेते हैं हम। ए रिकॉर्ड, क्लिक ऑन सर्च। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ए रिकॉर्ड अलग अलग कंट्रीज में, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, US, कैलिफोर्निया, चाइना, जहाँ जहाँ इसके ए रिकॉर्ड्स पेनिट्रेट कर रहे हैं वहाँ वहाँ का डिटेल्स हमको मिल चुका है। जनरली ये विजिबल नहीं होता। क्या आप netflix.com चलाते हो तो आपको दिखता है ये सब चीज़? बिल्कुल नहीं दिखता है। ये सारे एक सारे कुछ बैकएंड चीज़ हो गए जिसको हम एनुमरेशन में काउंट कर सकते हैं। अब ये है IPv4 एड्रेस। क्या नेटफ्लिक्स के पास IPv6 एड्रेस है? AA रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। तो हाँ, नेटफ्लिक्स के पास IPv6 एड्रेस भी है। ओके, जो कि सिर्फ एक जगह नहीं है, वो है मैक्सिको। मैक्सिको में इसका IPv6 काम नहीं कर रहा, यहाँ पे क्रॉस देख पा रहे हैं, बाकी हर जगह कर रहा है। उदयपुर इंडिया, बांग्लादेश ढाका, इस्लामाबाद पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन,
साउथ कोरिया, शेंजन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑकलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। अब जाते हैं सीनेम रिकॉर्ड पे। सीनेम रिकॉर्ड इसके एक भी नहीं है, तो सीनेम यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको। मेल सर्वर के रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो मेल सर्वर में देख पा रहे हैं कि गूगल का सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जी सूट। आई होप जी सूट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो ये जी सूट यूज़ कर रहे हैं। नेम सर्वर, लेट इट फिनिश। नेम सर्वर्स में इसका ये नेम सर्वर है AWS DNS, यानी कि ये AWS के सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये AWS यूज़ कर रहा है, AWS DNS-10.com, लाइक दिस। 10 TXT रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड भी ये यूज़ कर रहा है। देन CA रिकॉर्ड, देन DS रिकॉर्ड। तो अलग अलग डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे एनुमरेट कर सकते हैं, जो कि आता है DNS के अंदर। ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। तो ये था एनुमरेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग एनुमरेशन में कर सकते हैं। आई होप सबको ये क्लियर है। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं अपने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। जैसा कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया, फुटप्रिंटिंग किया, स्कैनिंग किया, एनुमरेशन किया, और देन हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पे पहुंच चुके हैं। तो अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है, ये सारे सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कोई भी वेबसाइट पर स्कैनिंग कर सकते हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज में बना है वेबसाइट, मतलब स्कैनिंग आप कर सकते हैं उस पर। जी सूट क्या होता है? जी सूट गूगल का एक सर्विस है, जिसमें कंपनीज वगैरह मेल सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं गूगल के थ्रू। जैसे जीमेल आप यूज़ करते हैं, @gmail.com अपने एंड में लगाते हैं, कंपनीज का @ डोमेन नेम होता है, जैसे @1bytelabs.in। तो जी सूट अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको ये सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं। इट इज़ इलीगल टू स्कैन, नहीं, स्कैन करना इलीगल नहीं है, स्कैन आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हैं। नहीं, सारे के सारे वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर नहीं बने होते हैं। ओके, 5 में से 1 वेबसाइट जो वर्ल्ड में होता है वो बनता है, ये रेशियो है। ज़रूरी नहीं है कि सारे वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर ही बने हों। सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस को भी मैं समराइज करता हूँ जल्दी से, ताकि इसका कल हम प्रैक्टिकल कर सकें, ताकि कल हमारे पास खाली समय हो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए। जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ मैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, सबको पता होगा। हम लोगों ने फिर फुटप्रिंटिंग किया, सबको पता है, स्कैनिंग किया एन मैप का यूज़ करके, एंड हम लोगों ने फिर एनुमरेशन किया। इन सारे फेजेस में हम लोगों ने क्या सीखा? इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा सारा चीज। अब आता है, इतना जो हम लोगों ने पता लगाया इन्फॉर्मेशन, अब इसको यूज़ कहाँ किया जाए। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो हम लोगों ने पता लगाया, इसका करना क्या है। वेल, ऑब्वियसली ये हम पता इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम उस चीज़ को हैक कर सकें, उस चीज़ को हम पेनेट्रेट कर सकें, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन पता लगा रहे हैं। ये कोई मारा मारी नहीं है कि आप किसी के पास गए, एक थप्पड़ लगा दिया आपने, बस लड़ाई शुरू हो गया, जीता कौन हारा वहाँ आपने फैसला कर लिया, वैसा नहीं होता है। साइबर सिक्योरिटी या तो एथिकल हैकिंग, इस फील्ड में आपको पहले अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ओके, आपको पता लगाना है पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग कर सको, प्रॉपर आप स्ट्रेटजी बना सको। निकल गए आप ऐसे ही, किसी को पकड़ लिया, उसको हैक कर लिया, ऐसे नहीं होता है। ओके, इसलिए वो 4 मॉड्यूल्स जो हम लोगों ने कवर किया, वो बेसिक था। इंफॉर्मेशन गैदरिंग बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग आ गए हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में क्या है,
जस्ट अ सेकेंड, उस केस में क्या होता है कि सपोज हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, ओके, अब हमको उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से उस वेबसाइट या उस सर्वर में खामियों को पता लगाना है, क्या कमजोरियां हैं उस वेबसाइट की, ओके, क्या इश्यूज हैं, क्या लूप होल्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ओके, ये आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के अंदर। वल्नरेबिलिटी का मतलब ही होता है लूप होल, बग्स, इश्यूज, एरर्स, कोई भी ऐसा चीज जिसके हेल्प से एक अटैकर वेबसाइट को हैक कर दे। ओके, सो दी आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। कभी भी आपने स्कैनिंग किया तो उसके एरर्स के बारे में पता लगाना ताकि आप उसको हैक कर सको, ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या क्या हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इसमें, आप पहले इसको देख लीजिए, वल्नरेबिलिटी रिसर्च के क्लासिफिकेशंस, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ओके, सॉल्यूशंस, टूल्स, स्कोरिंग सिस्टम क्या है, वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, देन फिर से टूल्स और रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारे सारे चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, आई होप सबको क्लियर है। सो क्लासिफिकेशंस के बारे में पहले हम लोग पता लगाते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन में कवर होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस में कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है तो उसको हम लोग प्रॉपर कैटेगराइज करना होगा जनरली, क्योंकि जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो वल्नरेबिलिटीज अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। कोई कुछ मिसकन्फिग्रेशन के कारण, कोई कुछ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के कारण, कोई कुछ अनपैच सर्वर के कारण, तो ये क्लासिफिकेशंस हैं। अगर कुछ दिक्कत होती है मिसकन्फिग्रेशन से तो वो इस कैटेगरी में आएगा। मिसकन्फिग्रेशन मतलब कुछ ऐसे सेटिंग्स, ऐसे कन्फिग्रेशन जिसमें कुछ ह्यूमन एरर हो, आपने कुछ गलत वहाँ पे क्लिक किया, कुछ गलत सेटिंग कर दिया, अब वो सर्वर वल्नरेबल हो गया, वो आता है मिसकन्फिग्रेशन में। देन डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, कुछ इंस्टॉलेशन ऐसे होते हैं जिसमें डिफॉल्ट आप लोग करके छोड़ देते हो, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों के पास वाईफाई होगा, राउटर होगा, बिल्कुल। अब राउटर जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होता है तो बहुत से इंस्टॉलेशन पर्सन जो होते हैं डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करके छोड़ देते हैं, या तो आप अगर खुद से करते हो तो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड छोड़ देते हो, या डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स। उस केस में क्या होता है कि हैकर्स को ईजी एक्सेस मिल जाता है, गेस करके ही वो लोग या ब्रूट फोर्स करके ही वो लोग आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। बफर ओवरफ्लो, आप में से बहुत से लोगों ने प्रिंटर यूज़ किया होगा ऑब्वियसली, ओके, प्रिंटर जब यूज करते हो आप, सपोज आपको 10 पेज प्रिंट करना है, आप 10ों पेज को प्रिंट करने का कमांड दे देते हो, पर प्रिंटर फिर भी एक एक करके सबको प्रिंट करता है। कैसे? हर एक सपोज आपने एक पेज का सेट, आपने वहां पे कमांड दे दिया कि इस पेज को प्रिंट करो, वो कमांड चला गया, फिर आपने दिया अब सेकेंड पेज को करो, अब थर्ड पेज को करो, ऐसे ऐसे आपने बोला 10 पेज तक। प्रिंटर क्या करता है, अपने अपने बफर मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है, ओके, बफर मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करता है धीरे धीरे। तो बफर मेमोरी का एक लिमिटेशन होता है, अगर आपके पास 4 GB का रैम है, आप उसको 10-10 सॉफ्टवेयर रन करके छोड़ दो, क्या आपका सिस्टम काम करेगा? नहीं, वो हैंग हो जाएगा। उसी तरह बफर ओवरफ्लो में क्या होता है, अगर बफर मेमोरी से ज़्यादा डेटा उसके पास आ जाता है तो वो ओवरफ्लो करेगा, जिसके कारण वो शटडाउन भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकती है, डाउन भी हो सकता है सर्वर, तो बफर ओवरफ्लो कैटेगरी में वो आ जाएगा। देन अनपैच्ड सर्वर, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ सर्वर्स वेबसाइट्स होते हैं जिसमें खामियां पता लगाने के बाद उसको रिपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पे ये खामी है, इसको आप सॉल्व कर दो,
फिर भी वो सॉल्व नहीं हो, फिर भी वो अगर सॉल्व ना हो पाए, उसको कहते हैं अनपैच्ड सर्वर। हैकर्स पता लगा लेते हैं ऐसे सर्वर्स के बारे में, देन उसको हैक कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस वो अनपैच्ड कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ध्यान ना देना। फिफ्थ, डिजाइन फ्लॉज। अब डिजाइन फ्लॉज को यहाँ पे हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो प्रॉपर आर्किटेक्ट डिजाइन करवाना, या तो डिजाइन फ्लॉज में आपका फ्रंट एंड बैक एंड का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन फ्लो मतलब, मान लीजिए कुछ प्लानिंग किया आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस का, उस प्लानिंग में कुछ डिजाइन में फ्लॉ आ गया, वैसा नहीं करना था ऐसा करना था, तो वो जो कैटेगरी है वो डिजाइन फ्लॉ के अंदर आता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉ, ऐसी खामियां, ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण है, जैसे विंडोज 10, विंडोज 9, सॉरी विंडोज 7, विंडोज 8, उस कैटेगरी में, या तो लिनक्स भी ले लीजिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कारण से कुछ वल्नरेबिलिटी हुआ, कुछ खामियां आई, तो वो वल्नरेबिलिटी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लो में आ जाता है। देन है एप्लीकेशन फ्लो आपका। एप्लीकेशन फ्लो में क्या होता है, एप्लीकेशन फ्लो में क्या होता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर का है सिस्टम, एप्लीकेशन लेयर का जो आपका एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन फ्लॉज के अंदर आते हैं, जैसे कि वेबसाइट, क्लाइंट साइट, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, ओपन सर्विसेज। एक वेबसाइट में अलग अलग सर्विसेज चलती रहती हैं, जो सर्विस यूज़र के लिए नहीं बनी है, अगर वो भी ओपन हो, कोई भी यूज़ कर सके उसको, वो तो भी एक खामी हो गया, तो जो सर्विस यूज़र के लिए ना बना हो उसको बंद करना ज़रूरी है। देन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स कुछ कुछ लोग छोड़ देते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स, उस केस में भी ये वल्नरेबिलिटी में आ जाता है। ओके, तो ये सारे के सारे 9 वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो एक बार इसको दोबारा आप खुद से देखिए।
ओके, सो आई होप यू जस्ट गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस क्लासिफिकेशंस. नाउ लेट अस गो फर्दर एंड डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस वेयर यू नीड टू असेस द वल्नरेबिलिटीज, दैट व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी दे आर हैविंग, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज हैविंग, व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज वी कैन गो विद इफ द वल्नरेबिलिटी इज स्टिल देयर, what type of loss we can face, economical loss, loss in amount and all those things. Okay, so ye sare sare cheezon ko hum face kar sakte hain vulnerability assessment. Okay, then aage process karte hain vulnerability management life cycle. sabse important cheez hai vulnerability management life cycle. Okay, isme kya hota hai, jo bhi vulnerabilities हम लोग को मिलती है उसको असेस करके एक प्रॉपर लाइफ साइकिल क्रिएट करना जरूरी होता है. अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए काम करते हो, ओके, अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आपका जॉब क्या रहेगा, ये जानना बहुत जरूरी है. तो एक प्रॉपर लाइफ साइकिल आपको फॉलो करना है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के फेज में. इसमें क्या होता है, कोई भी वल्नरेबिलिटी जब आप पता लगाते हो तो उसका प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है आपको. पहला है एक बेस लाइन बनाना. बेस लाइन मतलब क्या होता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर आपको एक चेक, एक कह सकते हैं कि आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना. ओके, कि ये चीज आपको परफॉर्म करनी है उस वल्नरेबिलिटी को लेके. सो कहते हैं हम लोग क्रिएटिंग बेस लाइन. ओके, ताकि आपसे कोई मिस ना हो कोई चीज़. आप 10 चीज़ों का लिस्ट बना लो, उन 10 को आपको फॉलो करना है ताकि आप प्रॉपरली उस बग के बारे में, उस इशू के बारे में, उस खामियों को पता लगा सकें. देन बेस लाइन बनाने के बाद आपको उस वल्नरेबिलिटी को असेस करना है. वल्नरेबिलिटी क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या ऐसा हम लोग में खामी रह गया था जिस कारण से ये आया. देन रिस्क असेसमेंट. वल्नरेबिलिटी अब हमको पता चल चुका है, अब वो वल्नरेबिलिटी क्या क्या डैमेज कर सकता है हम लोग के सिस्टम को, वो पता लगाना, जिसको कहते हैं हम लोग रिस्क असेसमेंट. ओके, रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि वो जो बग है, वो जो लूप होल है, उससे आप क्या क्या रिस्क जो है फेस कर सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकता है आपको, पैसों में, इकोनॉमिकल लॉस, सपोज प्राइवेसी लीक, क्या क्या हम लोग को लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो वो पता लगाते हैं हम लोग रिस्क असेसमेंट. क्यों ज़रूरी है ये, सपोज कि हम लोग 5 अलग अलग टाइप के वल्नरेबिलिटीज को हम लोगों ने पता लगाया. ओके, 5 वल्नरेबिलिटीज में से 3 सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटीज हैं जिसके कारण हम लोग को पैसों का लॉस हो सकता है, इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, तो उसका रिस्क प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा और उसको हम पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. देन आता है रेमेडिएशन फेज. जब हम लोग को वो 3 बहुत ही हाईली सेवरिटी लेवल के वल्नरेबिलिटीज मिले, रेमेडिएशन में क्या करते हैं, हम उसका लेवल कम करने का कोशिश करते हैं, उसके थ्रू होने वाले नुकसान को कम करने का कोशिश करते हैं, वो होता है रेमेडिएशन फेज. देन वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपरली सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो इश्यूज अभी भी हैं, एंड उसको देन लास्ट में मॉनिटर करना. ओके, तो ये सारे के सारे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में
ओके ग्रेट, मूविंग फर्दर। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉर्मली वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट पे आपका एक प्री फेज होता है, एक नॉर्मल फेज होता है और एक पोस्ट फेज होता है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग से, वल्नरेबिलिटी पता लगाने से पहले का फेज, जहाँ पे हम लोग बेसलाइन बनाते हैं, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया बेसलाइन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग बेसलाइन क्रिएट करते हैं ताकि हम उस आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सकें, उस बिजनेस को समझ सकें, एक हम लिस्ट बना सकें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस कंपनी की, क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हम नहीं कर सकते, क्या पॉलिसी है उस कंपनी का, क्या पॉलिसी नहीं है उस कंपनी का, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग बेस लाइन में बनाते हैं। देन आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल वल्नरेबिलिटी को असेस करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को पता लगा के, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी, मिस कन्फिगरेशंस, कुछ टूल्स को रन करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, प्रायोरिटाइज करते हैं अलग अलग वल्नरेबिलिटीज को, सबको स्कोर करते हैं किसका कितना लेवल है, वैलिडेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारे के सारे आते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज में। देन आता है पोस्ट असेसमेंट फेज, जहाँ पे आता है रिस्क असेसमेंट, रेमेडिएशन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, जो हमने एक्सप्लेन किया अभी। तो ये था प्री असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी फेज एंड पोस्ट असेसमेंट। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब कल प्रैक्टिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स का यूज वहां पे होने वाला है। ओके, नाउ अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। वल्नरेबिलिटी अगर हमको मिलता है तो हम उसका सॉल्यूशन क्या क्या निकाल सकते हैं। दो तरीके के सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है, पहला प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कुछ हार्डवेयर या कोई डिवाइस ऐसा इंस्टॉल किए नेटवर्क ने जिसके कारण से वो बच सके वल्नरेबिलिटीज से। ओके, या तो एक सर्विस ऐसा लगाइए वहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर वहाँ इंस्टॉल कीजिए जिसके कारण से वो प्रोटेक्शन दे सके। ये दो चीज़ें, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, ये दो चीज़ें। प्रोसीडिंग फर्दर, वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS 2.0 एंड 3.0। इसमें क्या होता है, कोई भी वल्नरेबिलिटी जब हमको मिलता है उसको हम एक नंबर देने का कोशिश करते हैं 0 से लेकर 10 के बीच में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका एक्चुअल स्कोर क्या है, एक्चुअल उसका सेवरिटी लेवल क्या है। सपोज अगर किसी वल्नरेबिलिटी का सेवरिटी लेवल नन हुआ, यानी कि वो 0 है उसका स्कोर है, किसी का लो हुआ तो वो 0.1 से 3.9 है, किसी का मीडियम हुआ तो 4.0 से 6.9 है, किसी का हाई हुआ तो 7.0 से 8.9 है, किसी का क्रिटिकल हुआ तो 9.0 से 10.0 है। यह है CVSS 3.0 का रेटिंग। CVSS 2.0 जो कि ओल्ड वन है, उसका लो पे 0.0 से 3.9, मीडियम पे 4.0 से 6.9 एंड हाई पे 7.0 से 10। ये स्कोरिंग सिस्टम। अब ये स्कोर बताता कौन है, ये नंबर्स हम डिसाइड करेंगे, सेवरिटी लेवल्स टूल्स डिसाइड करती हैं। टूल्स अगर आपने कोई स्कैनिंग में लगा दिया तो वो स्कैन करता है पूरा, पता लगाता है पूरा, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको स्कोर दे सकते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि इसका स्कोर क्या है, आप बोल दो 9, वो समझ जाएगा कि क्रिटिकल है। अगर आपने बोला 4, वो समझ जाएगा कि मीडियम है। आपने बोला 1, समझ जाएगा कि वो लो है। आई होप स्कोरिंग सिस्टम को क्लियर है, बहुत ही ईजी है स्कोरिंग सिस्टम। ओके, सबको क्लियर है ये पॉइंट, स्कोरिंग सिस्टम और सॉल्यूशंस के बारे में। विच टू, अभी टूल्स पे हम पहुंचेंगे, जो भी टूल्स हैं सबका यही काम है, सब सेवरिटी लेवल बताता है। ओके, टूल्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं हम लोग। टूल्स एनुमरेशन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में जनरली उतने टूल्स नहीं है, हमको बेसिकली स्क्रिप्ट बनाने पड़ते हैं। ओके, स्क्रिप्ट बना के हम लोग स्कैनिंग करते हैं। क्योंकि मौजूदा मार्केट में टूल्स हैं वो कंपनीज के लिए बने हैं, जिसको वो सर्वर्स पे आप इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट ओनर है, कोई सर्वर ओनर है, तो उस सर्वर पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। शेयर्ड होस्टिंग को छोड़ के हर जगह जहाँ भी आपको रूट प्रिविलेजेस हो, रूट परमिशन हो, वहाँ पे ये सब टूल्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग में आप नहीं कर सकते। ओके, पहला बात करते हैं क्वालिस मैनेजमेंट टूल। ओके, क्वालिस मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल जो है सर्वर्स के लिए बना है, जिसमें आप इंस्टॉल करके वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हो और ये 24 घंटे काम करेगा आपके सर्वर पे, कुछ भी खामियां हुई उसको पता लगा के आपको रिपोर्ट करेगा। ओके, इस क्वालिस मैनेजमेंट का हम प्रैक्टिकल हम नहीं करने वाले हैं, ये बस एक कंपनी के लिए बना हुआ है। हम प्रैक्टिकल करेंगे नेसेस प्रोफेशनल GFI लैंडगार्ड। नेसेस प्रोफेशनल GFI लैंडगार्ड भी सर्वर्स के लिए बना हुआ है, बट इसका प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं,
इनके दो वर्जन है, एक बेसिक जो कि फ्री है, एक प्रीमियम जो कि कमर्शियल होता है वो पेड है। हम लोग बेसिक्स पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके। तो नेसेस प्रोफेशनल्स एंड जीएफआई लाइन का, इन दो टूल्स का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट। कल जो करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल, देन हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे निक्टो का, निक्टो और क्वालिस फ्री स्कैन। क्वालिस का वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल भी है और फ्री स्कैन भी है। निक्टो और क्वालिस फ्री स्कैन टोटली फ्री है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ओके। बाकी के जो जी एफ एल एंड गार्ड नेसेस है उसके बेसिक्स के लिए आपको पे नहीं करना है, बट प्रीमियम प्लान्स में आपको पे करना होगा। अगर आप लाइफ टाइम यूज करना चाहते हो तो पे करना होगा, बट हम तो सिर्फ प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं तो कोई जरूरी नहीं है उसका। देन हम लोग के पास है ओपन वास रेडीनेस लिस्ट, ये भी पे टूल्स है, इसका प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करेंगे, ओके। अब बात आता है मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए। मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, ओके। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ सेपरेट टूल्स जिसको हम यूज कर सकते हैं। बॉबसूट का प्रैक्टिकल हम करेंगे, एनएप का प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, और बहुत सारे टूल्स का लिस्ट यहाँ अवेलेबल है जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। मोबाइल, मोबाइल के बारे में अगर बात करें तो मोबाइल का मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आपके पास ऑप्शन है, आप कर भी सकते हो। रेटिना सीएस फॉर मोबाइल अवेलेबल है, सिक्योरिटी मैट्रिक्स फॉर मोबाइल अवेलेबल है, नेसेस मोबाइल के लिए अवेलेबल है, नेट स्कैन मोबाइल के लिए अवेलेबल है, आईपी टूल्स मोबाइल के लिए अवेलेबल है, और नेटवर्क स्कैनर मोबाइल के लिए अवेलेबल है, ओके। प्लीज शेयर पीडीएफ पीपीटी मटेरियल, पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ओके। आप ग्रुप में स्क्रॉल कीजिए सबसे ऊपर, वहां पर शेयर किया हुआ है, वो बार बार शेयर नहीं होता है, ग्रुप में ही लिंक है, आप अच्छे से पढ़िए, फोकस कीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है रिपोर्ट्स का, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, कैसे एक्टिविटीज करना है, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करना है, कैसे हम लोग को टूल्स का लिस्ट पता करना है, कैसे कैसे हम लोग को स्कैनिंग करना है, इन सारे चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करना। उस रिपोर्ट में हम लोगों को पूरा तैयार करना, कहाँ क्या 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 इश्यूज़ हैं, उस इशू को कैसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उस वल्नरेबिलिटी का, क्या क्या स्कोर है, ताकि हम उस एडमिन को इन्फॉर्म कर सकें कि आपके सर्वर्स में ये इश्यूज़ हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर सकें, या तो एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म कर सकें कि ये खामियाँ हैं, ओके। तो ये आता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट्स के अंदर, ओके। तो इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में, जो 30% सिर्फ थ्योरी था, इसलिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी हम लोगों ने कवर किया ताकि हम प्रैक्टिकल से फोकस कर पाएं। अगले सेशन जो कि नेक्स्ट डे होगा, कल सेम टाइम पे आपका, उसमें प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पे हम जितने भी हम लोगों ने चीज डिस्कस की है, टूल्स के बारे में डिस्कशन किया एनुमरेशन में और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप सबको क्लियर होगा जो आज हम लोगों ने कवर किया थ्योरी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा इस मॉड्यूल को खुद से पढ़िए और अलग अलग टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कल क्लास में इसे पूछ सकें, ओके। यस, यू कैन डू वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑन एनी वेबसाइट। क्लास वीडियो आज का खत्म होने के बाद ही अपलोड होगा, अभी तो क्लास ही नहीं खत्म हुआ तो अपलोड कैसे होगा वीडियो। ओके, यस, Q&A चैनल आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आप शुरू हो चुका है, तो कल क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आप कल डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो वो कल क्रिएट हो जाएगा आपका। हैकिंग इलीगल कब होता है? आप स्कैनिंग तक आपका इलीगल नहीं है, एनुमरेशन आपका इलीगल नहीं है, वल्नरेबिलिटी फाइंड करना इलीगल नहीं है, एक्सप्लॉइट से लेके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ तक आपका इलीगल है। वहां पे आप तभी कर सकते हो जहां पे आपको परमिशन हो। काली लिनक्स सबसे बेसिक चीज है, पहला क्लास का वीडियो आप देखिए, वहां पे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, आपका काली लिनक्स सॉल्यूशन आपको वहां पे आराम से हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम हार्डवेयर इश्यू है तब कोई सॉल्यूशन नहीं है,
आपका सिस्टम हार्डवेयर कॉम्पेटेबल होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। सेकेंड थर्ड क्लास का वीडियो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, मैंने जस्ट चेक किया। वर्जन का इशू नहीं है, काली लिनक्स का कोई वर्जन भी आप यूज कीजिए, सब पे बेसिकली सेम होता है। कुछ कुछ फीचर्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। ओके सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स का स्पैम पता नहीं लाइव चैट में क्यों हो रहा है। व्हाट्सएप नाम का कोई ग्रुप हमारे पास, हम लोग कुछ उस पर काम नहीं करते हैं। व्हाट्सएप ना सिक्योर है ना सिक्योर होगा, इसलिए व्हाट्सएप पे हम काम नहीं करते हैं। टेलीग्राम चैनल हम लोग का है जहाँ पे डिस्कशन चैनल बनेगा, तो व्हाट्सएप लिंक का स्पैम प्लीज चैट में नहीं कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे, आपको उसका लिंक दिया जाएगा। जैसे ही ये मॉड्यूल खत्म होता है आपको उसका लिंक दिया जाएगा, ताकि वन बाय वन करके आप उसको यूज़ कर सकें। मंडे क्लास नहीं हुआ था, उसका क्लास हम लोग आज कवर किए हैं, एनुमेरेशन और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स का। हिंदी बैच का टाइम 8 PM ही है, जो कि चेंज नहीं होगा। ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको क्लास आज का समझ में आया हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो आज के लिए इतना ही क्लास में हम लोग का डिस्कशन हुआ। ओके सो आज के लिए इतना ही एवरीवन, अब आप क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिकल होगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पे। ओके एवरीवन, हैव अ गुड नाइट अहेड, बाय बाय।